आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर से आज टीआरएस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने प्रगति भवन पहुंचकर मुलाकात की। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सदर बनने पर सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया और इन्होंने इनके जिले में पार्टी को ताकतवर बनाने का वादा किया। इस मौके पर रियासती विजरा मोहम्मद महमूद अली, टी हरीश राव, के ईश्वर, टी श्रीनिवास यादव, ई दयाकर राव और श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर शामिल है। बीजेपी स्टेट कमेटी के सदर बंडी संजय ने नंदीपेट पहुंचकर ए भोजन्ना से मुलाकात की। टीआरएस के कारकुनों ने ए भोजन्ना पर हमला किया था। बंडी संजय ने हुकूमत की जानिब बीजेपी कारकुनों पर किया गया हमले की मजम्मत की। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में आने वाली हुकूमत बीजेपी की होगी। एलबी नगर डीसीपी ने रिटायर लेक्चरर रत्नाकर के घर से सरखा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पेश है खिदमत रिपोर्ट। ఈరోజు మన ఎల్బీ నగర్ జోన్ పరిధిలో రెండు హెచ్బీ ఫెన్సెస్ అయితే నిన్న రిపోర్ట్ అయినాయో వాటిని 24 అవర్స్లోనే డిటెక్ట్ చేసుకొని ముద్దైరాన్ని పట్టుకొని ఇది వాళ్ళని కోర్ట్కి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది దానికి సంబంధించి ఇది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. సో బేసికల్ ఇందులో ఫస్ట్ ఫెన్స్ ఏదైతే బీర్పేట్లో జరిగింది నిన్న సాయంత్రం 4 PMకి రిపోర్ట్ అయింది. ఇందులో భాగంగా ఒక ఇంటి నుంచి 31 తులాలు బంగారం तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस में कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,944 केस दर्ज किए गए। जीएचएमसी में 1372 नए केस दर्ज किए गए। 2,444 मरीज सहतियाब हुए, 3 अफराद फौत हुए। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।